बॉलिंग से शौक नहीं था मेरा, मैं बैट्समैन था, मैं प्रॉपर बैट्समैन था, ओपनिंग कर रहा था। देखा मैंने, बैटिंग का शौक है बहुत। तो पहले ओपनिंग करता था, वन डाउन करता था। अरे वाह, मतलब काफी वो भी अच्छी थी बैटिंग और रन भी कर रहा था, तो पार्ट टाइम कर रहा था लेग स्पिन। फिर दोस्तों ने कहा कि यार आप तो बैटिंग से बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करते हो। मेरा जब डोमेस्टिक शुरू हुआ अफगानिस्तान, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी पोजीशन 8-9 कर दी, कहता आप बॉलिंग कर लो। मैंने कहा यार मुझे तो बैटिंग पसंद है, बॉलिंग। और फिर मुझे कह रहे थे कि वो कोच जो था ना, वो उसने मुझे कहा कि एक बात बताओ, या बैटिंग कर लो या बॉलिंग कर लो। मैंने कहा दोनों नहीं हो सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर क्यों, ऑलराउंडर तो है। हाँ ना, वो तो मैं बोल रहा था। कह रहे थे कि नहीं नहीं, अगर बैटिंग करनी है तो 8 नंबर पे, अगर आपने बॉलिंग नहीं करनी है तो ओपनिंग पे आ जाओ, बॉलिंग मत करो। अरे यार, फिर मैंने वो 3 मैचेस में 21 आउट किए। गलती हो गई, बस हो गई, बॉलर हो गया, बैट्समैन को, मैं तो बैट्समैन नहीं हूँ, बॉलर हो गया, बॉलर हो गया। अभी क्वालिफाई राउंड में खुद कैप्टन था ना, ओपनिंग कर रहा हूँ। कोच को बोले कि मैं ओपनिंग जा रहा हूँ। तो काबुल से कितना दूर है घर? प्रोनंसी कैसे प्रोनाउंस करते हो घर का नाम? निंगरहार। निंगरहार, निंगरहार, या निंगरहार। इट्स लाइक 3 hours drive from काबुल टू निंगरहार। पर पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ? पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। पाकिस्तान की बॉर्डर हमसे दूर है तकरीबन 1 hour 10 minutes 20 minutes। और बॉर्डर से शाहिद अफरीदी का घर कितना दूर है दूसरी तरफ? गांव जो है ना तकरीबन 2 घंटा। वैसे शाहिद अफरीदी और अनिल कुंबले, मतलब लेग स्पिनर मुझे बहुत पसंद है। वो जो तेज डालते थे, वो जो स्लो वो पसंद नहीं थे। उस टाइम शेनवान भी था, बहुत बहुत इस तरह था कि मतलब शेनवान का एक नाम था कि वर्ल्ड बेस्ट लेग स्पिनर, लेकिन फिर मुझे वो उतना नहीं था कि स्लो डालते था, वो मज़ा नहीं आया। तेज वाला मुझे पसंद था, तो इसीलिए आर्म एक्शन इतना तेज डेवलप हो गया। हाँ हाँ, मैं बस उधर से मतलब घर में मतलब भाइयों के साथ बॉलिंग मतलब होती थी, तो उनको भी बहुत परेशान कर रहा था। और तेज थे उधर से टेप बॉल पे, तो और भी तेज डालता था क्योंकि टेप बॉल पे तो टेनिस बॉल टेप लगा के ना सुत करके निकल जाती है। हाँ, वो तो जगह भी थोड़ा वो होती, नजदीक से होता था। तो योर ब्रदर्स आर आल्सो ऑल स्पिनर्स? सब स्पिनर है? सभी स्पिनर, मतलब दे कैन बॉल अ लेग स्पिन रॉन्ग वन इन यू। Whenever I go home back, so I used to play with them. And still they are troubling me when I'm batting too against them. Even my nephews, yesterday I called them and they were playing cricket in the home. So my mom told me that look, they are still playing where you was playing and I'm going to stop them, but they are not going to stop. They might like broke the mirror or something like that. And I said, let them to play cricket. One of my nephew, he came in, he said it. He grabbed the phone from her and said, let me show you how you play cricket there. So when I went there, so all my nephews were there. So everyone was telling me, look, who is bowling like you? And they were showing me. And I was like leg spinners. I was like surprised. Oh. तो मतलब फैक्ट्री बन गई है घर पे? सभी डालते हैं। छोड़, इतने दिन भी हो ना, बाल बोलो उसको, रॉन्ग वन भी डालेगा और लेग स्पिन भी डालेगा। मैं हैरान था, अभी जब गया था मैं हैरान था। क्या है घर में खाने में क्या बनता है, कैसे बन गए हैं ये सारे लेग स्पिनर? पता नहीं, वो जब हमारे जो बड़े भाई थे ना, वो ऐसे थे कि मतलब वो उनका क्रिकेट का बहुत शौक था। तो वो शुरू से क्रिकेट बहुत खेलते थे और मतलब वो जो क्रिकेट थी वो कल्चर बन गए फैमिली में, कि मतलब जो भी है तो क्रिकेट खेलेगा। वो जो सबसे बड़ा है ना, वो थोड़ा वो क्रिकेट का वो नहीं है। अभी जब मैं लास्ट ईयर IPL से गया, तो उसने मुझे बोल दिया कि आ जाओ मुझे बॉलिंग कराओ। मैं हैरान हो गया कि यार हमें मना करता था कि क्रिकेट मत खेलो घर में, कह रहा था कि आ जाओ खेलते ही हो तो। मैंने कहा अभी तक तो आप मना कर रहे थे कि आप मत खेलो, ये भी टूट जाएगा वो टूट जाएगा। अभी खुद कह रहा कि बहुत देख लिया टीवी पे, आप देख लिया कि आप कैसा डालते हो। आउट किया उनको कि नहीं? नहीं यार, वैसे ही डाल रहा था, आराम से डाल रहा था। बड़े भाई है ना, थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है ना। उसको वो भी मारता था तो कह कि अच्छा मार दिया। मैंने कहा अच्छे हो बहुत। बड़े भाइयों के साथ मतलब काफ़ी लड़ाई भी हुई है क्रिकेट में। सबसे बड़ा नहीं, उससे उसके बाद जो है ना, वो थोड़ा वो फुटबॉल का बहुत शौक था कि उसके साथ जब खेलते तो उसके साथ मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा होता है। जब गुस्सा होता है ना तो फिर वो कुछ भी करता है, कभी बैट भी वो करता है। तो मैं तो हर वक्त से जीतता था ना, तो उसको बहुत गुस्सा होता था। फिर वो क्या करता था, वो टैप ज़्यादा डालता था, वो बॉल को बहुत हैवी करता था ना, कि अभी देखो अभी टर्न भी नहीं हो गया इतना, लेकिन फिर भी हो रहा था। ये क्या यार,
बहुत मजा कर रहा है उनके साथ खेलना। पर इतना मतलब आपका भाई बहन का तो पूरा टीम है, ठीक है, पूरा टीम बन गया, 11 ही हो गया ना। 12 मेन मतलब बाहर से लाना होगा, नेफ्यू इतने ज्यादा बहुत सारे वो भी बन जाएंगे, 15 का स्क्वाड बन जाएगा उधर। तो इतने जब भाई बहन होते हैं, इतना भरा हुआ घर होता है, तो उसमें प्यार भी बहुत है, लड़ाई भी बहुत है, नोक झोंक भी होता रहता है, तो बहुत मजा आता होगा चाइल्डहुड में। जब मैं जाता हूँ काफ़ी टाइम बाद तो सब आते हैं, भाई बहनें भी, मतलब हमारा जो एक बेसमेंट है बड़ा उसमें बैठते हैं, और मतलब वो मेरे जो नेफ्यूज है वो मुझे स्टोरीज बताते हैं कि यार आपने इस मैच में इस तरह किया, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है कि उनसे सुनते हैं। मुझे बिल्कुल सोने नहीं देते, 4-5 बजे तक रात को मेरे साथ नेफ्यूज होते तो सारे मेरे साथ सोते हैं, फिर 3-4 बजे मुझे कहते हैं कि पिज़्ज़ा, फिर वो पिज़्ज़ा ज़्यादा है ना तो 10-15 पिज़्ज़े भी उनके लिए मंगवाना पड़ते हैं। अभी जब उनको पिज़्ज़े का शौक़ होता है ना तो मुझे कॉल करते हैं, कॉल करते हैं कि अम्मी को बोलो कि यार हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करें, क्योंकि वो बुरा मानती है ना लेट पिज़्ज़ा पे, तो घर का खाना खाते काफ़ी ऐसे कि वो नहीं खाते, कह रहे कि 2 बजे फिर पिज़्ज़ा मंगवाएंगे तो मुझे कॉल करते हैं 2-3 बजे, मैं तो मतलब जागता हूँ उनके साथ बातें करता हूँ ना, फिर मैं कह ठीक है, मैं उसको कॉल करती हूँ कि यार इनके लिए पिज़्ज़ा मंगवाओ, फिर वो इनकार नहीं करती मुझे ना, कह रहे कि इन्होंने क्या बनाए कि आपको कॉल करते हैं, वहाँ से सिफारिश होती है फिर उनके लिए मंगवाते हैं। तो वर्ल्ड के जिस कोने में वो वहाँ पे फोन करते थे लोग, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कैरिबियन, कहीं भी, सब भी कॉल करते हैं कि यार हमारे लिए पिज़्ज़ा, या तो पहले से बोल दे कि रात को हमने कॉल करनी है, उस टाइम आप अम्मी को बोलो कि इनके लिए पिज़्ज़ा, तो पहले से कैलेंडर ब्लॉक करके रखते हैं। हाँ कि 2 बजे आएगा फोन। बट यू ऑल्सो मस्ट बी ऑब्वियसली यू वेरी हैप्पी व्हेन यू गो होम, पर फीलिंग सैड क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है ना घर जाने को, क्या मतलब हफ्ता 10 दिन या कुछ इधर उधर, बिल्कुल इतना टाइम होता है कि मतलब बिल्कुल बंदे को पता ही नहीं चलता कि कैसा गुजरा 10 दिन 5 दिन, काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम होता है। जब जाता हूँ तो सारे बोलते हैं कि यार कितने दिन के लिए आए हो, कब जाओगे, तो जब जाता हूँ तो 3 दिन पहले सब मतलब ऐसे खामोश होते, कह रहे कि यार ये जाता है, फिर तो अक्सर मैं इस तरह करता हूँ, फिर कि मैं उनको नहीं बोलता कि मैं इस टाइम जाता हूँ, क्योंकि फिर ये सब खफा होते ना, तो मैं अम्मी को भी नहीं बोलता कि मैं जिस टाइम जाता हूँ, किस टाइम भी जाता हूँ, तो वो मुझे जब बोलती है कि कब जाना है, मैंने कहा अभी भी 7-6 दिन है नहीं जाता, लेकिन मुझे जाना सुबह होता है, तो फिर मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए आता हूँ तो उसी टाइम पर उसको बोलता हूँ, क्योंकि अगर पहले से बोलूँ कि फिर उसको नींद नहीं आती ना, रात को सोचती रहती है कि यार एक कब सुबह जा रहा है क्या होगा, तो फिर मैं नहीं बोलता। रात को जब वो सब सोते हैं ना तो फिर मैं पैकिंग जो घर में थे खुद भी करता था, मैं किसी भी नहीं करता था ना, अम्मी को बोलता था ना बहनों को ना किसी और को, तो बस रेडी सब कुछ रख के सुबह आता था, तो नाश्ते भी कर लेते, फिर बोलता कि मैं आज जाना है, तो कह रहे थे कि यार पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कहा बताता तो आप फिर खफा होती पूरी रात सोचती, तो जितना भी टाइम ज़्यादा गुजारे महीना भी गुजारे तो कम रहता है। और जब घर जाते हो तो फिर क्या क्या बनाया जाता है खाने के लिए स्पेशल? जब भी जाता हो तो स्पेशल प्रोग्राम करते हैं बारबेक्यू का मेरे लिए। अरे वाह। हाँ वो जब करते हैं ना तो उसका बहुत अलग मज़ा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गोश्त लाते हैं, मतलब हम खुद ही वहाँ पे बैठते पकाते हैं और सारे मतलब इकट्ठे खाते हैं, खासकर मेरे नेफ्यू जब मैं जाता हूँ ना तो उन्होंने सारे प्लानिंग करी होती है घर में कि यार ये भी आ रहा है, तो वो सेलिब्रेशन वो है पटाखे वो सब कुछ वो करते हैं। ऐसा होता है जैसा मतलब मैं शादी हो गई है और आ गया, कहीं भी वो गुलदस्ते लाते हैं सब कुछ लाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, राजा साहब वापस आ गए, फिर उसके मुझसे पैसे लेते हैं, वो एक ही कह रहा कि मैंने ये लाया था, मैंने आपके लिए ये लाया था, कह देता हूँ यार ठीक है, तो उनका मतलब ये बहुत पसंद आता है। ऑब्वियसली अफगानिस्तान में उस वक्त क्रिकेट भी मतलब खेलने की इतनी खुली छूट नहीं थी, राइट? नहीं 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 बिल्कुल, वहाँ पे मतलब मुश्किल था,
खासकर मेरे लिए, मुझे तो घर से बाहर नहीं छोड़ते थे क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पे, आप अकेले हो, लड़ाई करो किसी के साथ या वो हो जाए, तो हालात भी वहाँ पे वैसे ठीक नहीं थे ना, तो मना कर रहे थे, फैमिली मना कर रही थी, मॉम सब मना कर रहे थे। उस टाइम ज़्यादा फोकस स्टडी पे थी क्योंकि अम्मी बोल रही थी कि आपने डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर? हाँ हाँ, क्योंकि हमारे राशिद खान, हाँ क्योंकि हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। 9th-10th में बहुत अच्छा था। अच्छा? जब ऐसा था कि टॉप 5 में आता था, मेरा खुद भी वो था, मैं चाहता था कि डॉक्टर, कि डॉक्टर बन जाओ, तो शौक था बहुत ज़्यादा पढ़ाई का, और मैं अच्छा भी था, जहन भी मेरा अच्छा था कि मतलब वो समझ आती थी चीज़ और जल्दी पिक करता था। और उसके साथ मैंने फिर वो जो इंग्लिश के कोर्स से ये भी मैंने स्टार्ट किए। पहले लोग कहते थे कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आपने इंग्लिश सेंटर जाना, ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि शौक था कि मतलब अच्छी से इंग्लिश भी सीखूं। और फिर जब मैंने कंप्लीट किया तो फिर मैंने थोड़ा टीचिंग भी किए। अरे हाँ हाँ, इंग्लिश का थोड़ा टीचिंग भी किए, तकरीबन बहुत पत्ते हैं राशिद के पास, 5-6 महीने किए। फिर ऐसा हुआ कि क्रिकेट शुरू हुई ना, तो फिर मैंने कहा यार इसको हटा दे, नहीं करनी है। जब मैं डोमेस्टिक के लिए गया 3 डे के लिए, वहाँ पे परफॉर्म किए तो लोग कहने लगे कि यार इसने परफॉर्म किए, ओके ये किए, तो फिर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट अमीर की तरफ, मतलब उसकी वो हो गई कि आप ठीक है। जब मेरा अंडर-19 में वो हो गया तो मतलब उनको थोड़ा फील हो रहा था कि यार ये तो अभी वो स्टेज पे खेल रहे, कि थोड़े बड़े स्टेज, जब पहली बार नेशनल टीम में कॉल अप हो गई जिम्बाब्वे की सीरीज, तो मेरा तो बिल्कुल जहन में भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी नेशनल टीम के लिए कॉल अप होऊंगा। तो वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस की ODI में, T20 में, तो उसके बाद इंडिया में जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें नाम आया, एशिया कप में नाम आया, तो वहाँ से फिर सब ने बहुत सपोर्ट करना शुरू किया। और 2016 वर्ल्ड कप खेल रहा था यहाँ पे, परफॉर्मेंस अच्छी हुई, तो एक दिन आकाश चोपड़ा, उन्होंने मेरे ख्याल में ट्वीट किया था या इंटरव्यू में बोला था कि राशिद खान माइट प्ले इन IPL। तो फिर जब पहली बार एक्शन में हो गया तो बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आता कि ये क्या सच है कि झूठे, मैं जिम्बाब्वे में था। अजीब सा था कि मतलब सुबह 6 बजे थे वहाँ पे, मैं जागा था। उस दिन ऐसा हुआ कि मुझसे पहले इमरान ताहिर अनसोल्ड हो गया। मैंने कहा ये तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है T20 का, उसमें रैंकिंग में नंबर 1 था। मैंने कहा ये नहीं हुआ तो मैंने क्या किया है कि मैं होगा। तो भाई मुझे कह रहा था कि डोंट वरी, वो श्रीलंका का बहुत बड़ा फैन है, श्रीलंका टीम का बहुत बड़ा, जयवर्धना संगकारा ये सब इनका बहुत बड़ा फैन है मुरली तरफ। वो मुझे कह रहा था कि डोंट वरी, जयवर्धना इज देयर, he will take you. हां, जयवर्धना was Mumbai team, Mumbai that correct, so that's the first year he yeah, okay rather ki jayvardhan aapko lega kyunki aapne usko bold kiya tha, maine usko BPL mein bold kiya tha. Acha, okay rather ki aapko lega wo, maine kaha usko bhi thoda wo bharosa hai, baki mujhe sunrisers ka pata nahi tha ki matlab ye lenge. Jab shuru hua to batting shuru hui, main is tarah dekh raha hu batting upar ja rahi hai, main bhai ko message karu ki what's this, what's happening, he was like laughing, he was telling me that I told you jayvardhan will take you. तो जब 4 तक पहुंच गया तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था, पूरे अफगानिस्तान में हला हुला मचला गया, अरे इसको 4 करोड़ पे ले लिया, ये हो गया। पहला मैच किसके साथ? हमारा पहला मैच था और IPL का पहला मैच था। ओह, और डिफेंडिंग चैंपियन उस साल थे RCB के साथ था। अच्छा, पहला मैच RCB के साथ, RCB के साथ था। यार बहुत मतलब जब मैं ग्राउंड में एंटर हो गया ना, तो मैं 2 मिनट के लिए इस तरह देख रहा था, मेरे कहा ये IPL है, क्योंकि वो यकीन नहीं हो रही थी ना कि मतलब इस तरह बड़ी लीग में इतना जल्दी खेलना, क्योंकि टाइम नहीं लगा ना इतना, एक साल लगा कि मैं नेशनल टीम में हूँ और फिर डायरेक्ट IPL में आ गए, और वो मेरा जो खाना है वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि मैं कहा ये क्या हो रहा है, ये तो बात सीरियस हो गई। हाँ, फिर पावर प्ले में मैंने कभी बॉलिंग नहीं की थी, डेविड वार्नर ने मुझे बुला दिया पावर प्ले में, उसने कहा कि पावर प्ले में, मैंने कहा ठीक करता हूँ। उधर से वो गेल दूसरे ओवर में 2 छक्के मारे, वो भी मेरे सर के ऊपर मारे, इतने बड़े बड़े मारे हैं कि मैं उसको इस तरह देख रहा था, इतने बड़े देखे नहीं थे ना कभी, नहीं देखे थे लाइव, टीवी पे देखे थे लेकिन ग्राउंड में नहीं देखे थे। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, ये तो कुछ अलग सा मारता है। जो क्यूरेटर है मैच से पहले, मैं उसको बोला था कि कैसा विकेट बनाना है कल, कह रहा है कि अच्छा सा होगा रन्स वाला,
मैंने कहा क्या कर रहा है यार, थोड़ा स्पिनर के लिए भी कुछ करो. कह रहे हैं अगर आप लोगों के लिए किया तो फिर कोई नहीं आएगा, मतलब जल्दी आउट हो जाएगा. मैंने कहा अगर उनके लिए कर रहे हो तो अगले साल हम भी नहीं आएंगे भाई. ओ हंस रहा था वो पिछले. मैंने कहा हम भी नहीं आएंगे, मार पड़ेगी तो करे यार इसको मार पड़ी है, अगले साल हम नहीं आएंगे. कह रहा था ये बात भी ठीक है. और पहला विकेट किसका था? ओ क्या मनदीप, मनदीप का हाँ, बैंडिंग का विकेट पहला था उसका पहला विकेट. जब वो विकेट ले लिया ना तो फिर सब कुछ कूल डाउन हो गया. जब दूसरा मैच था गुजरात लाइन के साथ, वहाँ पे तीन आउट किए, मैन ऑफ द मैच लिया, पिंच को आउट किया मैकलम को, रैना को. मतलब तो और ये तीन ऐसा वैसा विकेट नहीं है, ऐसे विकेट है जिन्होंने सेंचुरी मारी है T20 में. तो वो मैन ऑफ द मैच जब ले लिया ना तो उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला. पर उसमें सर को स्ट्रेट रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है कि मतलब नहीं तो हाँ हाँ मतलब ना करो तो फिर तो हो गया ना. वो जो फिल्म का एक डायलॉग है, टाकर तो गियो फिर तो आप गियो. फिर मुश्किल होता है परफॉर्मेंस करनी भी होती है. बट यू रिमेंबर द फर्स्ट मैच दैट यू प्लेड, यू केम शोर शराबा सब, चलो वो खत्म हुआ, पर पूरा सीजन चला और देखा यार ये क्या बड़ा सर्कस है, इतने लोग भागो इधर उधर, फोटोग्राफ, स्पॉन्सर, कभी डांसिंग, मतलब मजा आता है डांस करने में? मजा आता है डांस करने में, पसंद भी है थोड़ा डांस. अच्छा हाँ हाँ. अपने अफगानी जो सॉन्ग होते हैं उनके साथ, मेरे भाई का 2 साल पहले शादी थी तो मैं U19 में था, तो काफी मुश्किल से छुट्टी मिली एक रात के लिए. तो मैं बैठा था, सब दोस्त डांस कर रहे थे, भाई के दोस्त डांस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे उठा दिया. उससे पहले मैंने कभी डांस नहीं की थी ना कभी मैंने डांस किसी ने देखी थी, घर में किसी ने भी नहीं. तो हाँ, उन्होंने कहा कि यार आपकी भाई की शादी है, आप बैठे हो क्यों डांस नहीं? क्या मुझे याद ही नहीं डांस में क्या करूँ. कह रहे आ जाओ. अब मैं शुरू हुआ तो गर्म हो गया, फिर मैं नहीं बैठ रहा था. मैं 11 बजे शुरू किया, मैं 2 बजे में बैठ गया और सुबह 8 बजे मैंने फिर वापस निकलना था, कैंप के लिए जाना था. हमारा कैंप था, 2 बजे तक डांस किए. जब घर आए तो सारे भाई मुझे बैठे, यार मुझे ये बताओ आपने डांस कहाँ से सीखी? मैंने कहा मुझे पता नहीं कहाँ से सीखी, बस हो रहा था. YouTube से सीखा. मन होता कि डांस कर ले लेकिन मतलब वो शर्माते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा नहीं करते. अगली बार बताना उन सबको यार मैं हर सीन में असली ऑलराउंडर हूँ. हर टाइप में आप लोग मानते ही नहीं हो, सिर्फ बोलिंग कराते हो अपने को, टीचिंग, डांसिंग, बैटिंग, सब कुछ आता है आपने को, सब कुछ. कोशिश करते यार, मतलब जितना जिस चीज में भी हो सकता है कर ले बस. बढ़िया. जो कॉन्फिडेंस मुझे कोचिंग स्टाफ से मिला ना हाँ. वो मतलब बहुत अच्छा था कि जो ठम्मूडी, लक्ष्मण और मुरलीधरन, उन्होंने जो ट्रस्ट मुझ पर रखी थी कि आप करोगे जो भी हालात हो. मुरली सर वो मुझे कह रहे थे कि टैलेंट लिहाज से आप मुझसे बहुत आगे हो. वाह. तो ये बात जब की है ना, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार ये. तो मुझे कुछ ऐसा फील हो कि मेरा वो जो बदन था ना पूरा बॉडी वो हो गया, जो थोड़ा वाइब्रेट हो गया कि मतलब ये मुझे कह रहा है कि टैलेंट लिहाज से आप मुझसे बहुत आगे हो. तो ये बात जब उसने कही ना तो मैं सोचने लगा कि यार अभी ये लोग इतना मानते हैं, अगर इतना मानते हैं तो दिखाना पड़ेगा. और मतलब वो सोच नहीं होगी अभी कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, करूँगा कि नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, अभी करना होगा. मतलब वो सपोर्ट, वो बातें जो मुझे याद आ रही है ना कि मतलब उन्होंने कही, एक बात उसने कही थी कि आपने रिलैक्स होना है बस, मार पड़ रही है रिलैक्स, विकेट ले रहे हो रिलैक्स. तो ये बात जब उसने कही कि ये सिर्फ इस पर फोकस कर लो, बाकी जो आप डाल रहे हो, जो आपके साथ वेरिएशंस हैं वो गॉड गिफ्टेड है आपको, आप जैसा डाल रहे हो नेचुरल है ये सब अच्छा है. जब आप अपनी नेचुरल कोई चीज़ में चेंजेस लाते हो ना तो वापस उसमें जाना फिर बहुत मुश्किल होगा. yeah. फिर ज़्यादा. तो आपने किसी की नहीं मानी, किसी की भी नहीं मानी. yeah. क्योंकि आपका स्ट्रेंथ जो है ना रॉन्ग वन नहीं है ना लेग स्पिन है, आपका स्ट्रेंथ जो है ना जो स्पीड से चलते हुए, स्पीड तो तेरा स्ट्रेंथ है. yeah. काफ़ी कोचेज ने मुझे कहा भी थोड़ा स्लो डालो, थोड़ा स्लो. नहीं, मेरे को मुरली सर ने बोला. मैंने बोला, उसने वो सबसे बड़ा 800 विकेट ने बोला मेरे को. मैंने कहा नहीं, अगर बैट्समैन को ट्रबल हो रही है, वो परेशान है इससे, तो क्यों चेंज करूँ मैं?
जरूरत ही नहीं है, डालो बस। ये कोचिंग यूनिट जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कोच पर, ये तीनों ऐसा मतलब ठंडे मिजाज के, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल, अभी इस साल की बात है जब मुझे दो मैचेस में मार पड़ी, एक में 55 दिया, दूसरे में 48 समथिंग लाइक दैट। मेरा दिमाग में एक और थे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। कोच ने आके मेरे रूम में जो मेरे साथ डिस्कस किया, यूएस लक्ष्मण सर, मुरली सर, उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंस था अपने टाइम में जो खेले थे उन पे, जो वो बुरा वक्त आया था, बैड टाइम आया था, वो मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने जो ओके कुछ भी नहीं है, आपने ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा एक्शन चेंज किया है, ये किया, स्लो किया, कुछ भी नहीं है। बैट्समैन का दिन था, होता है, बस उसने मार दिया, आपने कोशिश की, उसने मार दिया। हर दिन थोड़ी इस तरह होता है कि आपके 5 छक्के लगे, 4 छक्के लगे, 50 दे दो, 60 दे दो। वो दिन थे आपके, 2 दिन बुरे दिन थे, शायद और भी आ जाए आप। यही बात जब मुझे की ना लक्ष्मण सर ने कि शायद आप पे ये दिन और भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि आप पे नहीं आएंगे, आएगा, ज़रूर आएगा, क्रिकेट है। लेकिन आप मेरे लिए हाथ से T20 की बेस्ट स्पिनर हो, मैं देख रहा हूँ लक्ष्मण सर ने ये बातें मुझे की, तो मतलब मैं बहुत से वो रिलैक्स हो गया, आराम से नींद आई उस रात। कैप्टन ने केन विलियमसन ने वो मैच के दिन, मुंबई की मैच के दिन मेरे साथ बैठा था मीटिंग में, तो आराम से आके मेरे काम में बोला कि रिलैक्स एंड एंजॉय। मैं उसको देख रहा हंस रहा था कि इस तरह बोल रहे कि रिलैक्स एंड एंजॉय, नाइस। मैंने कहा बस ओके। शुरू? हाँ जी, मैं हूँ राशिद खान और आप देखते रहिए ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते रहिए। Yeah, one take. Wow. Oh.